नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में। और मैं कैमरे के सामने बहुत दिन बाद आई हूँ और आज मैं कोई वीडियो ब्लॉग या कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि हमें वीडियो बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और जो वीडियो जा रही थी वो मेरी सारी वीडियो शादी वाली थी और मेरा बेटा ही सभी वीडियो को एडिटिंग करता था और वही डाल देता था। हमें कहीं कहीं वॉइस ओवर करने के लिए दे देता था तो मैं किसी तरह से कर देती थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। और मैं 29 अप्रैल को ही शादी से आ गई थी और मेरे यहाँ 26 तारीख को शादी ख़त्म हो गया था तो मैं 29 तारीख को आ गई थी अपने घर। और इसके बाद क्या हुआ था मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरा काफ़ी तबीयत खराब चल रहा था, सुस्ती जैसा लगता था और मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। किसी तरह 3 टाइम से 1 टाइम में खाना बना देती थी और कोई काम नहीं करती थी। तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है हमको। तो फिर मैंने अपने आप से ब्लड टेस्ट करवाया था, थायराइड, हीमोग्लोबिन और शुगर का। तो थायराइड तो ठीक था पर हीमोग्लोबिन मेरा काफ़ी कम था और डायबिटीज़ भी हो गया था तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस मैं सोची कि ठीक कर लूँगी किसी तरह से। और वैसे हम डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं ली हूँ अभी तक। और तब तक के मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी कम हो गए थे और बहुत अन भी हो रहे हैं और अभी भी बहुत अन हो रहे हैं। तो मैं किसी किसी के लाइफ में जाना स्टार्ट कर दी। सोए सोए हमें भी अच्छा नहीं लगता था तो मैं सोची चलो लाइव अटेंड करके फ्रेंड्स बना लेती हूँ। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में जाती थी और सभी लोग हमको बोलते भी थे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे तो सभी लोग बोलते थे कि आप सबकी लाइव अटेंड करो। तो मैं सबकी लाइव में जाने लगी हूँ। और एक दिन इत्तेफाक किया हुआ कि किसी की लाइफ में थी और मैं नाम नहीं लूँगी कि किसकी लाइफ में थी और कौन थे वो। तो मैं उनकी फर्स्ट वीडियो देख करके और उनको फ्रेंड बनाई और उनको मैसेज करी कि मैं आपकी वीडियो वॉच करके। और वैसे मैं किसी की भी वीडियो वॉच करती हूँ तो फुल वॉच करती हूँ या मैं किसी की वीडियो पे नहीं जाती हूँ और यदि जाती हूँ तो मैं सबकी वीडियो फुल वॉच करती हूँ। तो मैं वहाँ भी फुल वॉच करके फर्स्ट वीडियो को और उनको फ्रेंड बनाए और मैं मैसेज करी कि मैं फ्रेंड आपको बना ली हूँ और आप हमें रिटर्न कर लें। और लाइन नहीं है, लाइन तो है लेकिन पंखे की वजह से आवाज़ नहीं आएगी इसीलिए पंखा बंद है तो काफ़ी गर्मी भी लग रही है। तो मैं उनकी लाइव में गई और उनको फ्रेंड बना करके जब मैसेज करी तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग वीडियो को देख करके वॉच करके हम और डन करें। तो मैं बोली कि मैं आपकी वीडियो वॉच करके ही डन करी हूँ और बोल रहे हैं लॉन्ग वीडियो वॉच करने के लिए। तो मैं फिर लॉन्ग वीडियो वॉच करी और लॉन्ग वीडियो वॉच करके मैं मैसेज करी कि मैं लॉन्ग वीडियो वॉच की हूँ। फिर भी वो हमें रिटर्न नहीं कर रहे थे तो खैर एक डन रिटर्न से कुछ नहीं होता है। पर पता नहीं उस दिन हमें क्या हो गया था, मेरे दिमाग में क्या होता, बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मैं सोची मैं हमें महसूस हो गया था कि हमें कुछ हो रहा है पर फिर मैं उससे निकली भी बाहर और उसी रात को अचानक से मेरा और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। और इस कोविड की वजह से हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे तो फिर करते क्या। तो फिर हमारे घर में बीपी चेक करने वाली थी तो हम उससे बीपी चेक किए, अपने बेटे को बोले बीपी चेक करने। तो मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस दिन तो किसी तरह कट गया। फिर मैं सुबह से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी तो अभी तो ठीक है। और इसी बीच पता नहीं हमारे घर पे क्या हो गया है कि इतने लग रहा है कि घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही ले लेता है। क्या हुआ था फिर से, हम लोगों को 27 मई को मायके जाना था, मेरे चाचा की लड़की की शादी थी पर कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और मेरा छोटा बेटा इसी के कारण वहाँ रह गया था क्योंकि स्कूल भी बंद था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, तुरंत 20-25 दिन के बाद हमें आना ही है तो छोटा बेटा रह गया है और मैं गई नहीं शादी में। और उसको शादी में ही जो डेकोरेटर वगैरह लाइट की काम करते हैं वो
तार को नंगा छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसको करंट लग गया और काफ़ी ज़्यादा करंट लग गया। उसका हाथ वगैरह भी जल गया है। सुन के बहुत ये लगा, पर क्या करें, माता रानी की कृपा है कि ज़्यादा से नहीं हुआ, फिर भी बहुत ज़्यादा लग गया है। और फिर उसकी वजह से हमें भी मन भी नहीं लग रहा था। फिर उसका 2 जून का बर्थडे था, तो हम अपने बेटा को बोले कि जाओ लेकर के आना, और बेटा वहीं बर्थडे मना करके, और बड़ा वाला बेटा उसको लेकर के आ गया है। मेरा मायके काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर नहीं है, फिर भी 5-6 घंटा का रास्ता है, तो वो लेकर के तो आ गया है। और इसके बाद थोड़ा देख करके अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँगी, वीडियो शूट करूँगी और पोस्ट भी करूँगी। और कल सावित्री पूजा है, तो देखती हूँ वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं, कोशिश ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ते भी नहीं हैं, और जो भी है वो बिल्कुल अन ना करें। और मेरे साथ बहुत सारी समस्या है, जो हम हर समस्या को बोल नहीं सकते हैं। हमारे घर में मोबाइल नहीं है, डाटा का भी प्रॉब्लम होता है। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, किसी की लाइव अटेंड करो, सबकी वीडियो वॉच करो, हो नहीं पाता है। तो जितना हो सकता है मैं करूँगी, कोशिश ज़रूर करूँगी, पर प्लीज़ कोई वीडियो पे आए या ना आए, लेकिन अन ना करे। एक अन हो जाने से बहुत दुख होता है, और अभी तो हमारी वीडियो नहीं जाने के कारण काफ़ी फ्रेंड्स कम हो गए हैं, व्यूअर्स भी कम हो गए, क्योंकि जो बर्थडे वाला वीडियो मेरा बेटा डाला हुआ था उसमें काफ़ी व्यूज़ कम आए हैं, और सब्सक्राइबर भी बहुत कम हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, क्योंकि ये तो हम लोगों का काम है। यदि यूट्यूब पे हम लोग काम लिए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, पर क्या करें, तबीयत खराब के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए आज आप लोगों से सोची कुछ बातें कर लेती हूँ। तो यदि मेरी वीडियो पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं लाइक कीजिएगा, और हमें फुल सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर बातें सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं, और कुछ ज़रूरत है तभी हम लोग IT पे आए हुए हैं। तो यहीं पे अपने बातें को ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश ज़रूर करूँगी वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।